गैंग रेप कांड को लेकर सीबीआई की जांच तेज गति से आगे बढ़ रही है। पहले दिन क्राइम सीन का दौरा करने के बाद कल दूसरे दिन सीबीआई ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से घटना की पूरी जानकारी ली। सीबीआई की पूछताछ से इधर आज सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस को लेकर आज सुनवाई हो रही है, जहां बुधवार को ही यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दायर किया है। हाथरस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। यूपी सरकार ने इस दौरान पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का ब्यौरा दिया। पीड़िता के भाई के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने सीमा कुशवाहा को वकील तय किया है। वैसे सरकारी वकील भी सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीमा कुशवाहा ने मांग की है कि जांच पूरी होने के बाद ट्रायल दिल्ली में हो, सीबीआई अपनी जांच की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को दे। सीबीआई की टीम ने गुरुवार को चारों आरोपियों के परिवार से मुलाकात की। अब सीबीआई मथुरा कोर्ट में याचिका दायर कर सभी आरोपियों की कस्टडी मांगेगी। ऐसे में सीबीआई या तो जेल में ही आरोपियों से पूछताछ कर सकती है या फिर कस्टडी में ले सकती है। 14 सितंबर की घटनाक्रम को लेकर सीबीआई आरोपियों का बयान लेगी। अगर सीबीआई को रिमांड मिलती है तो आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, जिसके लिए कोर्ट से इजाजत नहीं लेनी होगी। आरोपियों के परिवार ने सभी आरोपों को नकार दिया है। हाथरस मामले में सीबीआई ने तीसरे दिन अपनी जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को सीबीआई की टीम चारों आरोपियों के घर पहुंची है। यहां पर आरोपियों के परिवार के लोगों से पूछताछ हो रही है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।